अगर हम आपसे कहें कि समुद्रों की गहराइयों में मिलने वाले मोती को आप घर बैठे ही उगा सकते हैं तो आप थोड़ा चौंक जाएंगे, लेकिन सोहागपुर के बमोरिया दंपति ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिन्होंने गांव में ही मोतियों की खेती की। कैसे, आइए बताते हैं। चांदनी सराशन ये मोती जिस आभूषण में सजता है उसकी शान बढ़ा देता है। समुद्र की गहराइयों में मिलने वाली सीपियों में छिपकर अपनी चमक को निखारता है एक एक मोती। अगर चाहिए सच्चा मोती तो गहरे पानी में डुबकी तो लगानी पड़ती है। पर अब मोतियों की यह चमक एक छोटी से तालाब में भी मिल सकती है। ना मोती छिपाकर रखने वाली सीपियों को ढूंढने की जरूरत है और ना ही समुद्र की खतरनाक गहराइयों को खंगालने की। इस तालाब में हर एक सीपी में एक मोती है जिसे अपने हाथों से सजाया है सोहागपुर के इंजीनियर अमित बमोरिया और उनकी पत्नी सुलक्षणा ने, जो हर सीपी में अपने हाथों से सजाते हैं मोती का बीज, जो करीब 1.5 साल तक इस सीप में रहने के बाद अपनी चमक बिखेरता है। छोटा सा 10x10 के पॉन्ड में 5 से 10 हजार रुपए खर्च आएगा और सीप और ऑपरेशन करने में 10-1 हजार इसमें खर्च आएगा, यानी 15 से 20 से 30 हजार में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 4 से 5 लाख रुपए की अर्निंग उसमें। छोटक हर 1 महीने 2 महीने 15 दिन में उनकी देखभाल करनी होती है कि कोई सीप मरी तो नहीं है या उनका चिकनाहट आ जाती है पानी में तो उसको साफ करना होता है। ट्रेनिंग मैंने ली है, ट्रेनिंग मैंने मेरे सर से ही ली है, मतलब मेरे हस्बैंड से ही ली है। उन्होंने मुझे ये डीपली बताया, बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने मुझे ये करने का मौका दिया कि तुम घर पे रहने के अलावा भी आप कुछ कर सकते हो, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इस काम में मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। अब दोनों पति पत्नी मोती की खेती का ये गुर दूसरों को भी सिखा रहे हैं ताकि दूसरों की जिंदगी में भी हो सके मोती सा उजाला। बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, बहुत अच्छा है, हम सोच रहे हैं फ्यूचर में इसको आगे बढ़ाने के। उड़ीसा बाबूजी सागर से हैं और नागपुर से हैं, साहब नागपुर से हैं, साहब इनके साथ में हैं, तो पंजाब हरियाणा कई सारी जगह से लोग ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। मेरे ख्याल से ऑल ओवर MP और ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट से कोई ना कोई आता रहता है, और अभी कुछ लोगों की क्वेरी आउट ऑफ इंडिया से भी आई हुई है मेरे पास, ट्रेनिंग के लिए आना चाह रहे हैं। इस अनोखी खेती से बमोरिया दंपति न सिर्फ खुद अपना मुकद्दर चमका रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। पवन सिंह चौहान, बंसल न्यूज़, सोहागपुर।